शिवपुरी जिले के भौती थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव में दहेज लोभी ससुरालियों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर न केवल एक विवाहिता के साथ बेरहमी से मारपीट की बल्कि उसे मरा समझकर चौराहे पर फेंक दिया। जुल्म की इंतहा इतने पर ही खत्म नहीं हुई बल्कि विवाहिता को ससुरालियों ने घर से बेदखल कर जबरदस्ती उसकी 1.5 साल की मासूम बच्ची को छीन कर अपने साथ रख लिया। पीड़िता ने बताया कि उसने घटना की शिकायत भौती थाने में की लेकिन पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। इससे परेशान पीड़िता ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ससुरालियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और ससुरालियों से मासूम बच्ची को वापस दिलाए जाने की फरियाद पुलिस अधीक्षक से लगाई। सुनिए क्या है पूरा मामला पीड़िता की जुबानी। क्या नाम है आपका? जानवी सोनकर, बांदा जिले से रहने वाले हैं और शादी हमारी हीरापुर में हुई थी और हीरापुर वाले 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, बोलते हैं कि नेक दो हमको, कुछ दिया नहीं है। 1.5 साल की बच्ची थी, उसको अपने पास रख लिया है, मेरे साथ मारा पीटी की और मनपुरा चौराहे के बीच में डाल दिया मार पीट के। बोलते हैं कि पहले 5 लाख रुपए लेके आपने बाप से, उसके बाद में मेरे घर रहने का, और मैंने अपनी बच्ची मांगी, उनने मेरी बच्ची नहीं दी। शादी कब हुई थी? 2021 में शादी हुई थी। 5 लाख किस वजह पे मांगते हैं? दहेज के कहते हैं। हाँ, दहेज के लिए। किस कारण से आप पर दबाव डाल रहे हैं? इसी दहेज के कारण से, और मेरी 1.5 साल की बच्ची मुझे दे नहीं रहे हैं। बहुत ही थाने की पुलिस मेरे साथ गई थी, उन्हें 315 कट्टा उठाया था मारने के लिए, लोहे की सब्बल डंडा वगैरह सब कुछ हाथापाई करने के लिए किया था। तो पुलिस वालों ने मुझे बहुत मुश्किल में बचाया, बोले कि DM साहब के पास जाओ और हमारे लिए आदेश लेकर आओ, तब हम तुम्हारी बच्ची दिलवा पाएंगे और तुम्हें न्याय दिलवा पाएंगे। कितने साल की बच्ची है आपकी? 1.5 साल की है, 1 साल 6 महीने की। पति का नाम क्या है? रामवरण लोधी। क्या करते हैं वो? वो कुछ नहीं, गुजरात कंपनी में काम करते हैं, घर पे रहते हैं। मारा पीटी का भी आपने दर्शाया आवेदन में, तो वो क्या मामला है? 2 महीने पहले हुई थी। पास में आओ। 2 महीने पहले किसके साथ में हुई थी? मेरे साथ में, ये ससुराल वालों ने किया था। किस किसी ने की थी? नंद और नंदोई ने, मेरे और मेरी जेठानी, जेठानी का लड़का और जेठ और मेरे पति और मंझले जेठ भी मेरे, उन सब लोगों ने। पति आपके पक्ष में नहीं बोल? नहीं, मेरे पक्ष में नहीं है पति, वो अपने घर वालों के पक्ष में बोलते हैं कि ऐसा ऐसा करो तभी हम लोग तुम्हें अपने साथ में रखेंगे। कैसा मतलब? मतलब बोलता कि इस लड़की से बोलो कि अपने घर से ऐसा ऐसा लेकर आए तभी हम अपने साथ में रखेंगे, वरना उसके घर भेजो उसको। अभी कहाँ रह रही हो आप? मैं अभी अपनी मम्मी के पास रह रही हूँ, पन्ना जिले में, माधवगंज। कब से? मुझे 2 महीने हो गया, मुझे बहुत बुरा मार दिया था, तो मेरी माँ ने मुझको ठीक कराया है और मेरी दवा गोली सब कुछ कराई, अब मैं ठीक हो गई तो मुझको यहाँ भेजा, बोले कि अपनी बच्ची लेकर आओ। थाने में शिकायत की तो थाने से क्या? थाने में शिकायत की तो थाने में 2 थाने के पुलिस वाले मेरे साथ में गए, तो वहाँ पर उनने मारपीट चालू कर दिया, 2 पुलिस वाले थे इसलिए वो संभाल नहीं पाए, तो उनने बोला कि बेटा तुम जाओ और DM साहब के साइन लेकर आओ आवेदन में, तभी हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे। SP साहब के पास आई हूँ, यहाँ क्या सोचा? तो SP साहब के पास आई हूँ, तो मुझे ये बोला गया है कि जब SP साहब बुलाएंगे तभी जाना पड़ेगा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हो? मेरी SP साहब से मैं सुनवाई करना चाहती हूँ कि मुझे न्याय दिलाएं, मेरी 1.5 साल की बच्ची को मुझे वापसी दिलवाएं। उसी के साथ में रहना चाहती हूँ? नहीं, मैं उसके साथ में रहना नहीं चाहती क्योंकि 3 साल से मेरे साथ मारपीट कर रहा है। आप पढ़ी लिखी हैं? जी हाँ, मैं BSc कर रही हूँ, करेरा।